महेश भट्ट साहब, बॉलीवुड में आपको आउट स्पोकन कहा जाता है, कुछ लोग खफा होते हैं और फिर आपका नाम जो है उनको महेश भट्ट नहीं महेश भट्ट रख देना चाहिए। देखिए मैं अपने शर्तों पे जिंदगी जीना चाहता हूँ। सड़क की जो महारानी थी, वो महारानी का कैरेक्टर जो था, वो जो हिजड़ा था, वो उसने लोगों को बहुत इंप्रेस किया। फिल्म मौला जट में नूरी नक, हाँ मौला जट का नाम सुना था। इंडिया और पाकिस्तान मिलकर एक खूबसूरत सी फिल्म बनाए जो बड़ी खूबसूरत लगे, जिसमें जज्बात का इजहार हो। हनीफ राजा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, हनीफ राजा हाजिर है राजा के साथ। आप मुझे जिस सेट पर देखते हैं आज, आप मुझे बिल्कुल ही अपसेट देख रहे होंगे। मेरा मतलब यह है कि आप सेट पर मुझे नहीं देख रहे हैं, आज बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का सेट है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो आज गेस्ट हैं वो हमारे परदेसी मेहमान हैं और हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान हैं। मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, आप उनको बहुत पसंद करते हैं। उनको पसंद करने की वजह उनकी शक्ल नहीं है, शक्ल तो उनकी है ही अच्छी, लेकिन उनको पसंद करने की वजह उनका टैलेंट है जिसने आपको अपना गर्विदा कर दिया है। बड़ी खूबसूरत फिल्में बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त फिल्में बनाते हैं। पाकिस्तान आए हुए थे, हमने कहा क्यों ना आप तक भी उनको पहुँचा दिया जाए। जनाब महेश भट्ट साहब, आदाब। आदाब महेश भट्ट साहब, मुझे देखते हैं और देख कर हंसना शुरू कर देते हैं। और महेश भट्ट साहब बड़े मज़ेदार आदमी हैं। जब मैं इनको टेलीविज़न पे देखा करता था इंडियन चैनल्स पे, तो मुझे ये बड़े खुर्राट से लगते थे। मुझे लगता था शायद बहुत गुस्से वाले आदमी होंगे। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि इनकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बड़ी रोबदार है, लेकिन बहुत ही पोलाइट, बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है। कैसे मिजाज आपके? आदाब। अच्छा, मैं आपसे अभी गाड़ी में आते हुए पूछ रहा था कि आपने कॉमेडी मूवीज़ कम बनाई। मैंने एक फिल्म बनाई थी दिल है का मानता नहीं, जिसमें आमिर खान थे, मेरी बेटी पूजा थी, अनुपम खेर थे। बहुत बड़ी हिट हुई थी वो, जिसमें वो क्लाइमैक्स था जहाँ वो अनुपम खेर कहता है अपनी पूजा से कि तू भाग जा, मैं शायद दुनिया का पहला ऐसा बाप हूँ जो अपनी बेटी से कह रहा है कि शादी के मंडप से भाग जा, शादी छोड़कर भाग जाओ। मैं दुनिया में पहला ऐसा बाप होऊंगा जो अपनी बेटी को शादी का मंडप छोड़कर भागने के लिए कह रहा होगा। उसके बाद में फिल्म बनाई थी हमने हम है राही प्यार के, वो भी आमिर खान थे उसमें और जूही चावला थी। बहुत बड़ी हिट, दो फिल्में हैं बहुत बड़ी हिट। अच्छा, वैसे ज्यादातर आपका जो रुझान है वो माशरती मूवीज की तरफ है, सोशल मूवीज और जो हो रहा है हमारे कल्चर में। कुछ मेरी पहचान बनी है अर्थ, सारांश, जख्म, तमन्ना, डैडी, इस किस्म की फिल्म से, क्योंकि इमोशनल फिल्में जो होती हैं वो ज्यादा देर अपना असर छोड़ती हैं, और क्योंकि लोगों की अपनी जिंदगी भी उसमें कुछ उनका उसका उसकी झलक नजर आती है तो वो आइडेंटिफाई ज्यादा करते हैं। मगर हर किस्म की फिल्म बनाई, एक्शन फिल्में बनाई है, म्यूजिकल बनाई, आशिकी, सड़क एक्शन फिल्म थी। अरे मुझे कोई बता दो रे, ये मुझे मार डाले। रू से रू उस वक्त मिलती है जब आपकी फीलिंग्स एक जैसी होती है। जी जी, तो मुझे लगता है कि ये जो चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, इसमें आपकी कोई जाती फीलिंग्स हैं इसमें? सही बात है। कोई इश्क की नाकामी नहीं, इश्क की कामयाबी पे भी गाता आदमी है। एक फितरत में आवारगी है, एक भटकना है, भटकन है, कहीं सुकून मिलता नहीं, चैन मिलता नहीं। और शायद यही है जो अभी तक जिंदा रखे हुए इस काम कराती है, कि प्यास बुझती नहीं है। जितना डालो जिस तरह आग में, आप अगर आप आग को मिट्टी के तेल से बुझाने की कोशिश करें तो भड़क जाएगी, भड़केगी। एक हमारे यहाँ पर सिंधी सिंगर आए थे जी जी, तो वो ट्रांसलेट करके हमको समझा रहे थे, शायर है वो, कहता है कि मुझे सुकून चाहिए ही नहीं, ये मेरी आग मुझसे मत लो, आग मेरे अंदर रहने दो, मेरी आग चली जाएगी वही मेरी ताकत है। बस वगैरह, तो ये आग नहीं जानी चाहिए, आर्टिस्ट की आग जो है बहुत जरूरी, आग खत्म नहीं होनी चाहिए।
ठीक, तो आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए? केरोसिन अपने ऊपर डाल के माचिस लगा के घूमे? अंदर का केरोसिन अंदर की माचिस चाहिए, वो कंटिन्यूसली ऑन होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं तो क्या है, फोटो आपके सही छप जाते हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ जाते हैं, आपको बड़ी बड़ी पार्टियों में लोग बुलाते हैं, मगर कुछ बुझ जाता है, कुछ अंदर कुछ कमी रह जाती है, कुछ महसूस करते हैं कि आप कुछ है नहीं। फिर एक नया आता आदमी जिसमें आग होती है, बिल्कुल, और फिर वो लोगों पर अपना असर छोड़ता है, कहीं पर फितरत में बिल्कुल आवारगी है, और शायद इसके लिए मैंने इसमें मेरी को मुझे क्रेडिट देने की जरूरत नहीं, शायद पैदा ही असर। भट साहब, पूजा बहुत कम फिल्में कर रही हैं, क्यों? आप खुद नहीं ले रहे या वो करना नहीं चाहती? उन्होंने पैसे बढ़ा दिए कि डैडी अब मैं इतने पैसे लूंगी? शुरू से जब मैं 16 साल की जब मैंने उनको पहली फिल्म में ली, उनको ब्रेक दिया था उसकी डैडी, तब बहुत क्लियर थी कि वो एक शायद एक ही फिल्म करेगी, क्योंकि जब मैंने दूसरी फिल्म का ऑफर किया था आशिकी में तो उसने ना कर दिया, फिर उसको पता जाने क्या हो गया, उसने कहा कि शायद थोड़ी सी वो जलस फील करती थी कि ये आशिकी हिट होगी और मैं कहीं पर आसपास के सब लोग स्टार बन गए और मुझे अब तक उस स्टारडम नहीं मिली, तो उसने कहा कि मुझे कहा कि मैं फिल्म में काम करूँगी तो दिल के मानता नहीं बनाई, मगर एक्टिंग में उसका कुछ शुरू से कुछ शौक 100% था नहीं। अच्छा, वो फिल्म प्रोड्यूस करने में ज्यादा बिलीव। अच्छा, पूजा ने जितनी फिल्मों में काम किया वो आपकी होम प्रोडक्शन थी या बाहर भी काम किया? बाहर बहुत कम काम किया, क्योंकि वो एक्टिंग के करियर में इंटरेस्टेड ज्यादा थी नहीं। अच्छा, वो फिल्म या वो आपको इजी लेती थी? नहीं, एक डैडी है, जब आपको स्टारडम अपने घर में मिल जाती है और आपको बाहर काम करने की जरूरत इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि आप कहीं पर सेफ भी फील करते हैं कि घर है, आपके सारे जो जो है शेल्टर महसूस करते हैं, मूड्स जो हैं घर वाले हैं झेल लेंगे, बाहर जाने की जरूरत क्या है। और बाहर थोड़ा काम किया मगर उसको इतना कुछ सुकून मिला नहीं, क्योंकि वो एक किस्म की फिल्म करना पसंद करती है। मगर अब उसने प्रोडक्शन जो है उसने 1997 में आके मुझसे कहा कि मुझे फिल्म प्रोड्यूस करनी है। तमन्ना कि जब मैंने कहानी उनको सुनाई तो जो रियल लाइफ पे एक बेस्ड है कि एक हिजड़ा था बम्बई में जिसने रमजान के महीने में सड़क से एक बच्ची को उठाया था जिसको कोई छोड़ गया था और उसको उसने पाला अपना, उसको उसकी परवरिश की। तो एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर हम औरतों को प्रिटेंड करते हैं, नाटक करते हैं, दावा करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, वहां पर आप बच्ची गर्ल चाइल्ड को मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये इस थीम से कनेक्टेड उसको फिल्म बनानी थी, तो हमने फिल्म बनाई। उसके बाद में उसका नेशनल अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला तो उसने को जैसे खून जख लिया, उसने कहा अब हम खून जख लिया, मुंह ज़बान को खून लग गया, बिल्कुल अभी हमें खून जख लिया, अभी हम फिल्म प्रोड्यूस करेंगे, उसने कहा शुरू किया, फिर जख्म बनाए उसमें भी नेशनल अवार्ड मिला उसको। मैं पूछती हूँ क्या कसूर है मेरा? यही ना कि मैं अपने बच्चे को ऐसी जगह जन्म नहीं देना चाहती जहाँ धर्म के नाम पर छुरे चलते हो। कौन सी जाति? शार के बिगनी में लगी थी, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी हिट हुई थी। अब उसने फिल्म डायरेक्ट की है, नाम है पाप। लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलिएगा और इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना ना भूलिएगा। और हाँ, आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है, ये तो आप जानते ही हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हनीफ राजा।